तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बात करेंगे उन सीएससी बिजली भाइयों की जिन्होंने जो है सीएससी के माध्यम से ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के लिए अप्लाई किया था। तो मैं आपको बताना चाहूंगा सीएससी से जो है ई डिस्ट्रिक्ट का आईडी पासवर्ड जो है मिलना चालू हो चुका है। अगर आपको नहीं मिला है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं हूं शिव और आप देख रहे हैं शिव जी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मेरा यूट्यूब चैनल जो है सब्सक्राइब कर लेना चाहिए क्योंकि मैं यहाँ पर जो है सीएससी से रिलेटेड और अदर टेक्निकल इश्यू से रिलेटेड यहाँ पर वीडियो डालता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखिए सीएससी की तरफ एक मैसेज आया है, प्रिय बीएलई आपकी ई डिस्ट्रिक्ट सेवा का क्रेडेंशियल आपको मेल किया जा चुका है, कृपया संदर्भ लें। अधिक सूचना के लिए अपने जिले के जिला प्रबंधक समन्वय से संपर्क करें, सीएससी यूपी। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको मैं दिखा दूं मेल मेरे पे क्या आया था। तो यहाँ पर आपको देख लीजिए, आप सीएससी ई डिस्ट्रिक्ट यूजर आईडी के संबंध में यहाँ पर जो है यहाँ पर देख लीजिए मेरे पास कुछ इस तरीके का जो है मैसेज आया हुआ है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा पोर्टल यूआरएल यहाँ पर आपको दिख रहा है। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको जो है कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, यानी कि ई डिस्ट्रिक्ट का जो है पोर्टल खुल जाएगा। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा G2C यूजर आईडी, यहाँ पर जो है यूजर आईडी आपको दिख रही होगी और नीचे पासवर्ड की जगह पर यथा शीघ्र आपको मेल के माध्यम से उपलब्ध होगा। तो यहाँ पर जो है मैंने ई डिस्ट्रिक्ट की जो आईडी है वो मैंने हिडन करके रखी हुई है सिक्योरिटी रीजन की वजह से। तो यहाँ पर आपको सुनिश्चित करना होगा आप अपने सीएससी सेंटर पर पीएमजी दिशा, PMSYM, PMG आयुष्मान भारत, PGPay और NSP जैसी आपको जो है जितनी आपको जो लिस्ट दिख रही है वो सभी आपको जो है सर्विसेस आपको जो है अपने सेंटर पर प्रोवाइड करनी होंगी, तभी आपको जो है ई डिस्ट्रिक्ट का पासवर्ड मिलेगा, आईडी पासवर्ड जो है तभी आपको जो है मिलेगा। तो यहाँ पर आपको जो नीचे लिखा दिख रहा होगा, अतः आपसे अपेक्षित है कि निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें, धन्यवाद। लॉगिन कैसे करना है, यहाँ पर आपको जो है ई डिस्ट्रिक्ट के पोर्टल पर आपको आ जाना है और यहाँ पर जो है आपको ई डिस्ट्रिक्ट सीएससी यूजर और जो है ई डिस्ट्रिक्ट यूजर के बटन पर आपको जो है क्लिक कर देना है। यहाँ पर जो है आपको आईडी डालनी पड़ेगी और जैसा कि आपको जो है मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है वहाँ पर आप जो है आपको पासवर्ड नहीं दिया है। तो जैसे ही आपको जो है पासवर्ड मिलता है तो यहाँ से आप जो है लॉगिन कर सकते हैं। और मैं फ्रेंड्स आपको बताना चाहूँगा अगर यहाँ से आपका तो लॉगिन नहीं होता है तो आपको जो है सीएससी 3.0 की वेबसाइट पर आपको चले जाना है। तो यहीं पर आपको जो है कोने पर एक और सीएससी का जो है आपको लॉगिन पेज मिल जाएगा। तो यहीं पर आपको जो है क्लिक करके आईडी पासवर्ड डाल के और लॉगिन कर लेना है जैसे ही आपका जो है पासवर्ड मिलता है। अब आपको जो है इस तरीके का अगर मेल जो है प्राप्त नहीं हुआ है वो आपको कैसे प्राप्त करना है इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आपको ले चलते हैं ई डिस्ट्रिक्ट के 3.0 की वेबसाइट पर। यहाँ पर आपको कोने में लॉगिन का पेज आपको दिख रहा होगा। तो लॉगिन के बटन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको जो है कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आपको अगर तरीके का अगर मेल नहीं प्राप्त हुआ है और आपकी जो ईमेल आईडी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी जिसे आपने जो है ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के लिए आवेदन किया हुआ है तो आपको नीचे आपको दिख रहा होगा क्लिक हियर इफ यू हैव फॉरगॉट योर पासवर्ड, यहाँ पर आपको जो है क्लिक कर देना है और एंटर योर ईमेल एंड टू रिसीव इंस्ट्रक्शंस। और यहाँ पर जो है आपको ईमेल आईडी वही ईमेल आईडी डालना है जो कि आपको जो है अप्लाई करते वक्त आपने ईमेल आईडी वहां पर डाला था। यहाँ पर आपको सेंड मी के बटन पर आप जो है क्लिक कर दीजिएगा, आपके ईमेल आईडी पर जो है उसी तरीके का आपको जो है मेल प्राप्त हो जाएगा अगर आपकी जो है ई डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन का सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हो चुका है, इसी तरीके का जो है आपको मेल प्राप्त हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।